कैसर ब्लॉक सभागार में जल जीवन मिशन के तहत दो दिवसीय ट्रेनिंग में लेखपाल प्रधान और सचिवों को वितरित किया गया सर्टिफिकेट। जी आपको बता दें, जनपद संत कबीर नगर के दनगटा तहसील क्षेत्र के हैंसर ब्लॉक सभागार में शनिवार के दिन जल जीवन मिशन के तहत लेखपाल सचिव और ग्राम प्रधानों को वितरित किया गया सर्टिफिकेट। आप देख सकते हैं कैमरे में जल जीवन मिशन के तहत दीपक यादव कार्य संयोजक के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत लेखपाल ग्राम प्रधान और प्रधानों को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वितरित किया गया। इस मौके पर उपस्थित अरविंद वर्मा, धर्मेंद्र, अनुज निषाद, अनुज वर्मा, शुभम मिश्रा और ISA राजा राम यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, आइए क्या कुछ कहते हैं जल जीवन मिशन के कार्य संयोजक, खुद सुनते हैं उनकी जुबानी। और किस तरह का ट्रेनिंग चल रही है? ये ट्रेनिंग चल रही है जल जीवन मिशन की, और यहाँ पे हम कार्यक्रम संयोजक के रूप में उपस्थित हैं, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उनका नाम है शुभम मिश्रा। ये जल जीवन मिशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो गए, BDC मेंबर हो गए, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उसमें जैसे लेखपाल हो गए और आपके ग्राम सचिव हो गए, वार्ड मेंबर जो होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, इन सभी की ट्रेनिंग कराई जा रही है। ये ट्रेनिंग दो दिवसीय है, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत इन लोग को ये जानकारी, एक जो ये जल जीवन मिशन चल रहा है जिससे सभी को जोड़ना है। ये तीसरे फेज की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हमारी पहले फेज की जो ट्रेनिंग थी वो हर राजस्व गाँव से 5-5 महिलाओं की होनी थी, वो फेज खत्म हो गया। सेकेंड था उसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से 13-13 कर्मियों की ट्रेनिंग, जैसे इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, फीटर, प्लम्बर, ये सभी लोगों की ट्रेनिंग करके उनको समाप्त किया गया। बाकी ये तीसरे फेज की जो ट्रेनिंग चल रही है, इसमें ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, लेखपाल, सचिव, ग्राम पंचायत सदस्य, इन सभी का प्रशिक्षण होना है। इस प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, इसके जो गाँव में सभी ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी लग रही है, उस पानी की टंकी जब ग्राम पंचायतों में बन जाएगी या उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा, तो उसके रख रखाव की जिम्मेदारी में क्या, किसकी क्या भूमिका रहेगी, उसके बारे में बताना। बाकी एक और चीज़, जैसे जल का जो संकट चल रहा है और जगहों पे, उसके बारे में पहले से अवेयर करना, ताकि यहाँ पे जो जल का संकट लंबे समय में, मतलब अभी कुछ समय में आने वाला है, वो काफ़ी लंबे समय में आए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है।